होटल टेंडर मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और पूरे मामले में लालू यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरपर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। आप लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं, उनके साथ सबसे पहले तो प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? अगर कहीं भी कुछ गलत हुआ है तो कानून अपना काम करे, निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष तरीके से। हिंदुस्तान में कानून का शासन है, अदालत निर्णय कर देगी। पर जब आप कानून और कानून से जुड़ी सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल भाजपा के पिट्ठुओं की तरह करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों से प्रतिशोध के लिए, तो अपने आप में शंका खड़ी हो जाती है कि कितनी दुर्भावना मोदी सरकार के मन में विरोधियों के लिए है। लेकिन लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, तेजस्वी यादव जो कि मंत्री हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, तो लगता नहीं कि नैतिक तौर पे या तो तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए या कांग्रेस को और जेडीयू को आरजेडी के साथ सरकार चलाने के बारे में सोचना चाहिए बिहार में? देखिए, आज एक मामला भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर दर्ज हुआ है। दर्ज होने से पहले ही उस मामले की पूरी जानकारी समाचार पत्रों और टेलीविज़न चैनलों को दे दी गई सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। अब मामले की जांच होगी, जांच में दोषी या निर्दोष का निर्णय होगा, आरोप पत्र दायर होगा और फिर अदालत निर्णय करेगी।